हेलो एट्थ क्लास, आज असी एट्थ चैप्टर स्टार्ट करना सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शंस। इस दे विच असी पढ़ना सेल्स की होंदे ने, इन दी डिस्कवरी हुई कदों हुई, सेल थ्योरी की है, हाउ टू स्टडी सेल्स, इन्हां दे फंक्शंस किदां दे, किन्ने टाइप्स दे होंदे ने, ऑर्गेनिज्म जिहड़े सेल्स की, असी मेनली पढ़ना सेल्स होंदे की, स्टार्टिंग इस चीज़ तो करनी सेल्स की होंदे ने। हुण असी स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल तो, कोई भी एग्जाम्पल लै लो, कोई भी सैल कितने पाए जाते हैं, कोई भी ट्री लै लो, कोई फ्लावर लै लो, रोज़ लै लो, सनफ्लावर लै लो, कोई ट्री लै लो, ओक ट्री लै लो, कोकोनट ट्री, बनाना ट्री, कोई भी कोई एनिमल आना, तो डॉग, कैट, मैन, ह्यूमन, काउ, हॉर्स, कुछ भी हो गया, बर्ड्स हो गए, सारे ऑर्गेनिज्म सैल्स तो ही बने हुए ने। हर एक चीज़ दियाँ जिहड़ियां भी एनिमल्स ने, ट्रीज ने, हर एक दियाँ फूड हैबिट्स वक्रियाँ ने, हर एक का रहन सहन वक्रा, हर एक का काम करने का तरीका वक्रा, डिफरेंट बर्ड्स का हो गया, एनिमल्स का हो गया, हर एक का खाना पीना वक्रा ते रहना भी वक्रा, पर सारियां दे विच एनिमल्स, फ्लावर्स हो गए, ट्रीज हो गए, मैन हो गया, बर्ड्स हो गए, सारे दे विच एक चीज़ कॉमन आ, वो कॉमन चीज़ की है कि ये सारे ही एक बहुत ही छोटी स्ट्रक्चरल यूनिट तो बने हुए ने, जिन्हों बोलते सैल। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग, कोई वो सैल्स तो बने हुए हैं। सैल्स की होंगे ने, एक फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी होंगे, वह स्ट्रक्चरल यूनिट होंगे। स्ट्रक्चरल यूनिट तो मतलब कि मान लो एक बिल्डिंग बनी हुई है, एक बिल्डिंग किस चीज़ तो बनी हुई है, इट्टा तो बनी हुई है, इट उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल यूनिट हो गया, वही इट एक इट नूं रिपीट कर करके पूरी बिल्डिंग तैयार हुई है। इस तरह कोई भी ऑर्गेनिज्म होया, उसकी बॉडी साड़ी किस तरह तैयार हुई है, वो एक सिंगल सैल तो, सिंगल सैल फिर रिपीट होंगे ने सैल्स, एक सैल या फिर बहुत ज़्यादा सैल जुड़ के किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी तैयार करते हैं, कि इस तरह किसी की बॉडी बनती ऑर्गेनिज्म की। हुण आपां देखना कि डिस्कवरी कदों हुई सैल्स की, किस तरह हुई सैल्स होंगे कि सैल्स आर सो टाइनी दैट दे कैंट बी सीन विद नेक्ड आई। असी इन्हां नूं नंगी अख नाल नहीं देख सकते, आपां बिल्कुल डायरैक्टली इन्हां वाल किसी चीज़ वाल वेख के तो आपां देख सैल्स देख लीए, इदां नहीं हो सकता क्योंकि बहुत छोटे होंदे ने, बहुत ज़्यादा छोटे, आपां सिर्फ अपनी अख नाल नहीं देख सकते। हुण इन्हां दी इनवेंशन कदों हुई, डिस्कवरी ऑफ सैल, कि इन्हां दी इनवेंशन कदों हुई, इनवेंशन इहदी जोड़ी जाती है क्योंकि आपां जदों तक आपां किसी चीज़ नूं आपां बहुत छोटी चीज़ नूं आपां बिल्कुल क्लीयरली नहीं देख सकते, फिर सैल्स तो बहुत छोटे होंदे असल विच। इस करके जदों माइक्रोस्कोप की इनवेंशन हुई, इहदी इनवेंशन भी उहदे नाल ही लिंकड आ, क्यों, क्योंकि माइक्रोस्कोप ही एक ऐसा डिवाइस आ कि जिहड़ा सानूं बहुत छोटियां चीज़ां नूं देखण विच हैल्प करदा वा। इस करके जदों माइक्रोस्कोप की इनवेंशन हुई उहदे नाल ही लिंकड, उस तो बाद सैल की भी इनवेंशन हुई क्योंकि आपां फिर देख सकते सी बहुत छोटे चीज़ नूं, इस करके उहदे नाल लिंकड आ। उस तो बाद कोई भी बॉडी आ वो सैल्स नूं जुड़ जुड़ के बनती है, बहुत सारे सैल जुड़ के बनाते हैं, पर जिहड़ा सिंपल माइक्रोस्कोप सी उहदे नाल बिल्कुल क्लीयरली नहीं, बिल्कुल इन्ना भी डीपली बहुत छोटी चीज़ भी नहीं दिखा सकते, इस करके उहदी भी कुछ लिमिटेशन सी। पर उस तो बाद इहदी बिल्कुल जिहड़ी सही जिहड़ी इनवेंशन जिहनूं बोलदे आ कि असल विच जदों सैल नूं असीं देखिआ उह सी जदों इलैक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दी इनवेंशन हुई, उह सी बहुत स्ट्रोंग माइक्रोस्कोप होंदे ने, बहुत ज़्यादा डीपली बहुत छोटी चीज़ नूं बहुत वड्डा साफ करके वड्डा करके दिखाते हैं सानू। इलैक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इनवेंशन के नाल ही यदि इनवेंशन जुड़ी हुई है, उदो असी क्लीयरली इनू देख सकते इलैक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हैल्प नाल। उस तो बाद सैल थ्योरी की कहती है, ये जो कंसैप्ट आ कि जेडे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, वो सारे सैल्स के बने हुए हैं, यह सैल थ्योरी कहती है। सैल थ्योरी कहती है कि सारे और लिविंग ऑर्गेनिज्म जिहड़े भी प्लांट्स एनिमल्स जो भी है ये सारे सैल्स दे बने हुए ने। तो इन्हां इस थ्योरी के अंदर दो पॉइंट होंदे, पहला पॉइंट कि सैल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई एनिमल आ, कोई प्लांट आ, कोई बर्ड आ, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल यूनिट आ। स्ट्रक्चरल यूनिट फिर पहला दस्या है कि एक चीज़ जो छोटी उन्होंने जोड़ जोड़ के फिर वह पूरी बॉडी बना दें किसी ऑर्गेनिज्म की, एक ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे सैल जोड़ जोड़ के बनया, यह स्ट्रक्चरल यूनिट हो गया। फंक्शनल कि यही फंक्शन बॉडी के फंक्शन करते हैं ये सैल्स ही। सैल्स अराइज बाय
सैकेंड पॉइंट, सैल अराइज बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सैल। हुण एक सैल्स बनते कि इन्ने सारे सैल्स कि बनते हैं, एक जरा फस्ट पहला एक एग्जिस्ट करता एक सैल है मान लो, उन्हें डिवाइड हो जाना दो पार्ट्स में, फिर वो एक तो दो बन जाने, वो जो दो बने होने उन्होंने फिर अगे डिवाइड हो जाना, उस तो फिर अगे डिवाइड हो के इस तरह किसी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता, कोई भी इस तरह सैल ग्रो करते हैं डिवाइड हो के। हुण हाउ टू स्टडी सैल्स, सैल्स नू स्टडी कितना करते हैं, सब तो पहला माइक्रोस्कोप चाहिए सानू, क्योंकि माइक्रोस्कोप नाल ही असीं देख सकते हैं सैल नू, आपां अपनी अख नाल सीधा नहीं देख सकते। हुण इहदे विच सैल्स के भी पार्ट्स होंदे ने, उहदे जिद्दां साडे बॉडी दे पार्ट्स आ वक्रे वक्रे, इस तरह सैल्स के भी पार्ट्स ने। हुण इहनां नू आपां इदां नहीं देख सकते, असीं पहलां इहनां नू की करदे हां, एक सैल नू आपां डाई करदे हां आपां, क्योंकि इहदा कलर नहीं कोई आपां पता लगदा, आपां इहनूं देखण वास्ते माइक्रोस्कोप की हैल्प नाल असीं देखण वास्ते इहनूं पहलां एक कलर करदे हां, कोई कोई डाई कर दिंदे हां, जिहदे नाल कि सानूं उहदे ते उह रंग डाई हो जांदा, फिर सानूं चीज़ वेखण लग पैंदी आ, ते ਉਹ ਚ ਸੈਲਸ ਇਸ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੈਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨੀਮਲਸ ਪਲਾਂਟਸ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੈਲਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰਲ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਥਿਊਰੀ, ਸੈੱਲ ਥਿਊਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲਿਵਿੰਗ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਸੈੱਲਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰਲ ਯੂਨਿਟ ਆ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਆ ਸੈੱਲ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਬਣਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਬਣਦੇ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਊ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਸੈੱਲ, ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਰ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਇਹ ਸੀ ਚੈਪਟਰ 8 ਦੇ ਸੈੱਲ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਸੈੱਲ, ਸੈੱਲ ਥਿਊਰੀ ਐਂਡ ਹਾਊ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਸੈੱਲਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਇਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈੱਲ ਇਨ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ, ਕਿ ਸੈੱਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।